नमस्कार। कहा पाई से महानायक तो कहा पाई से खलनायक, किंतु एक कथा सत जे तांको पाई बदली गला पृथ्वीर भूगोल। तीन खंड होगला एक विराट उपमहादेश, तांको पाई सृष्टि हला नुआ सीमार नुआ गार। ए गार केवल मानचित्र नुहे, लोकंकर हृदय भी टणा हला। शह शह वर्ष धरी साथी होई रहुथुवा लोके गोटे छटकारे होइगले अलगा। आज ये घटना को सात दशंधिटा पिलाने तथापि परस्पर को संदेह देखुछंती लोके। आज भी लोकों मनरे विभाजन भेद बुणुवा से खलनायक होउछंती बदर बादशाह जिन्ना। गत किछि दिन हेब आलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एएमयू रे लागी रही छात्र अशांति। रास्तार छात्र चली नाराबाजी, परीक्षा पाखला तथापि ना परवाय। लगातार धारण में बस प्रदर्शन करण कौन ए घटना ए बद पक्षर भी ए उपमहादेशर सबुठ बड़ खलनायक जिन्ना केमी आसतु जान। सप्ताह हेब लग रही अचलावस्था, छात्रों धारणा विक्षोभ नाराबाजी। एएमयू रे बड़ धरणर छात्र अशांति, सड़क रे छात्र गणमाध्यम रे बयानबाजी। सारा देश को दोहलाई देछि ए विवाद। ए विवाद कौन कहीं वो किपरी एत बड़ है, एक जानवा को बुझाक हेले आमको जीवा को पड़ आलीगढ़। आजादी बा स्वाधीन हबार नारा, नारा दुईट समान लगुले भी दुई नारा पछरे रही दुईट भिन्न मानसिकता, दुईट विचारधारा। ए नारा कहीं जानवा को आसतु मूलरू आरंभ करवा। आलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रे जिन्ना को नहीं बिवाद, बिवाद जिन्ना को एक फोटोचित्र को नहीं। एएमयू परिसर रे थिबा छात्र संघ कार्यालय रे रही मोहम्मद अली जिन्ना को एक फोटोचित्र। विवाद आरंभ चलित मास आरंभ। गत एक तारिखरे आलीगढ़ बीजेपी सांसद सतीश गौतम एएमयू कुलपति तारिक मंसूर को एक पत्र लिखिले। पत्र रे से लिखिथिले विश्वविद्यालय परिसर रे केउठी केउठी मोहम्मद अली जिन्ना को फोटोचित्र रही काहीं रही से विषय रे दयाकरी जनांतु। आउ एहा परे ही आरंभ हला प्रकृत विवाद। यूनिवर्सिटी के अंदर चाहे वो आजीवन सदस्य हो, जब इस बंटवारा होने के बाद जिन्ना की तस्वीर का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि जब बंटवारा हो गया तो जिन्ना का पाकिस्तान में तस्वीर लगे, लेकिन इंडिया में उनकी तस्वीर लग रही है तो नहीं लगनी चाहिए। तबे विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष फोटोचित्र को अपसारण तो कले नहीं, बरम विश्वविद्यालय मुखपात्र साफे किद्वाई यह सपक्ष में सफाई देले। से कहिले एही फोटोचित्र सेठारे 1938 मसीह रही। मोहम्मद अली जिन्ना को एएमयू छात्र संघ आजीवन सदस्यता प्रदान करी। आजीवन सदस्यता प्रदान करथिबा समस्त व्यक्ति फोटोचित्र सेठी रही। प्री पार्टीशन पीरियड में 1938 में जिन्ना यहाँ पे आए थे, तो उनको यूनियन ने अपनी यही ऑनरेरी मेंबरशिप दी थी। तो ये जो है ये अब तक 100 से ज़्यादा लोगों को यूनियन अपने तौर पर, जाहिर उसका यूनिवर्सिटी से एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लेना देना नहीं। दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट that Muhammad Ali Jinnah was given life membership of a student union 1938. That's why unki photo yahan lagi hai aur lagi rahegi. Agar isse koi kehta hai ki aap nationalism pe sawal khada karta hai to bilkul galat hai. Yahan pare vivad adhik ugra roop nela 2 tarikh re Jinnah ko photo ko viswavidyalaya parisar ru baad daba lagi viswavidyalaya parisar re pahunchi thile keteko juvaka. Kuha jauchi emane Hindu juva bahini ra sadasya.
ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅଟକାଇଲେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ବଡ଼ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ। ଉଭୟ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଲା। ଆହତ ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷର କେତେକ ଯୁବକ ଓ ଛାତ୍ର। ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ପୋଲିସର ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ବି ଅନେକ ଆହତ ହେଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଏବଂ ଆଲିଗଡ଼ରେ ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଏଏମ୍ୟୁ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପୋଲିସ ଛାଉଣିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜ ନିଜ ଜିଦ୍ରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଫଟୋଚିତ୍ର ହଟାଯାଉ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଅଡ଼ି ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଲଟା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ପଶିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ଏସ୍ଏରେ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିବା ପୋଲିସ ଉପରେ ହେଉ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। सिविल लाइन थाने एफआईआर कराने के, लेकिन हमें अपने डेमोक्रेटिक राइट से वंचित किया गया। तो जिन लोगों ने हमें रोका और लाठियां चलाई गई जिस वजह से और जिस तरह से अटैक हुआ, उसके खिलाफ हाई लेवल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं, जुडिशियल इंक्वायरी की डिमांड करते हैं। एएमयू परिसर रे एबे भी जारी रहिछि अचलावस्था। विश्वविद्यालय समस्त परीक्षा को घुंचाई दिया जाइछि। कुलपति अनुरोध करिछन्ति छात्र माने विवाद रे जड़ित न होई पाठ उपरे ध्यान दियंतु। हमारा ये यूनिवर्सिटी एक एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, इसमें पहली प्रायोरिटी जो है वो एकेडमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ख़ासतौर से फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है एग्जामिनेशन होता है। तो मैं तो स्टूडेंट से, सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ही करूँगा कि आप एग्जामिनेशन की तरफ ध्यान दें और एकेडमिक एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दें, जो एग्जामिनेशन पीसफुली हो जाएँ। विवाद अनुसंधान और समाधान लगे एक 16 जनिया कमिटी गठन करिछन्ति विश्वविद्यालय कर्तृपक्ष। एमानकु विक्षोभकारी छात्रों सह आलोचना करिबाकु कहुछि। सेबडे विक्षोभकारी छात्र माने 2 तारीखर गंडगोल और पुलिस कार्यानुष्ठान नहीं विचार विभागीय तदंत दावी करिछन्ति। जो अधिकारी जिसने भी वहाँ पे गोलियां चलाई है, लाठियां चलाई है, हम लोग पीसफुल होने जा रहे थे। अरे भैया, ये इस देश के अंदर अगर हम एहतजाज नहीं कर सकते, ये क्या डेमोक्रेसी है। ए घटनार तदंत करी पुलिस 2 जनंकु गिरफ करिछि। विश्वविद्यालय शांति फेरै आनिबा लागि उद्यम करुछि प्रशासन। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया। ଅଲିଗଡ଼ର ଏମ୍ୟୁରୁ ଏ ବିବାଦ ଘଟଣା କେବଳ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ଥିଲେ କଥା ସରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜିନାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେ ନିଆଁ ଭଳି ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଏ ବିବାଦର ସ୍ୱର ଶୁଭୁଛି ସାରା ଉପମହାଦେଶରେ। ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଇସଲାମାବାଦ, ଲାହୋର, ସବୁଠି ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି। ଏହାକୁ ନେଇ ଗରମ ହୋଇଛି ରାଜନୀତି, ଲାଗି ରହିଛି ବାଦ ବିବାଦ, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ଅଲିଗଡ଼ରେ ନିଆଁ, ସାରା ଭାରତରେ ଏପରିକି ଭାରତ ବାହାରେ ବି ତାର ତାତି। ଅଲିଗଡ଼ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜୋରଦାର ରାଜନୀତି। ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଏବେ ରୂପ ନେଇଛି ବିଜେପି ବନାମ ଅନ୍ୟର। ଦେଶପ୍ରେମୀ ଦେଶଦ୍ରୋହୀର ଏ ବିବାଦକୁ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ବି ହେଉଛି। ଏଏମ୍ୟୁ ଛାତ୍ର ସଂସଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କକ୍ଷରେ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ଜିନ୍ନାଙ୍କ ଫଟୋ କଥା ସେତେବେଳେ ଉଠିଲା ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର ହମିଦ ଅନସାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ସଦସ୍ୟତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଛାତ୍ର ସଂସଦ। ପ୍ରଥମେ ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଚିଠି, ତାପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏହା ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ବିଗିଡ଼ିଲା ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ଗୋଳିଆ ପାଣିରୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ରାଜନେତା। ଦେଶରେ ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦ ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଲେ କଂଗ୍ରେସର ନିଲମ୍ବିତ ନେତା ମଣିଶଙ୍କର ରାୟ। ପାକିସ୍ତାନର ଲାହୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଣିଶଙ୍କର ଜିନ୍ନାଙ୍କୁ କାଏଦେ ଆଜମୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲେ, ଆଉ ବୟାନ ଦେଲେ ଜିନ୍ନା ନୁହନ୍ତି ଦ୍ୱି ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ସ୍ରଷ୍ଟା ସଭରକର। ଆଉ ଏଏମ୍ୟୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀମାନେ ଦାୟୀ। The Qaeda Azam, which has been hanging in the Aligarh Muslim University since 1938.
And they seem to think that I have transgressed the Mother India by saying that that portrait should not have been removed. सेबडे यहाँ कंग्रेस को टारगेट कले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शाह ट्वीट कले गुजरात हो कर्नाटक प्रति निर्वाचन समय कंग्रेस को पाकिस्तान मन पड़ू सेपटे एमयू प्रसंग को नहीं प्रति दल राजनेता आरंभ कर परस्पर को टारगेट करने फल मामला अधिक जटिल मुस्लिम लीग के दस्तावेज में भारत और भारत के विभाजन के बारे में जो बात कही गई है उसकी पुनर्अभिव्यक्ति वे कर रहे हैं एक शत्रु देश में जाकर भारत की आंतरिक मामलों को और भारत के इतिहास को गलत रूप में प्रस्तुत करना सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है बल्कि भारत के राष्ट्रवाद पर हमला है मैं भारत में रहता हूं और मेरे भारत के अंदर मेरे भारत के ऊपर हमला करने वाला मेरे भारत का बंटवारा करने वाले व्यक्ति का कोई तस्वीर लगा दे और उसको कोई पूछे तो क्या मैं छोड़ दूंगा कानून को कार्रवाई करनी चाहिए और निश्चित रूप से जनता भी नहीं तो उद्विग्न होगी वो उसका खामियाजा भी उनको भरना पड़ेगा एक बार साफ आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि देश का मुसलमान जिन्ना से नफरत करता है वो लाखों बेकसूर लोगों की जानों का हथियारा है और देश का मुसलमान उससे नफरत करता है फिर एएमयू छात्र संघ उसके लिए क्यों खून बहा रहा है इस सब भीतर गोटे कथा स्पष्ट एएमयू घटना रे राजनीति पसीबा फल रे यार समाधान हेबा बदल रे अधिक जटिल होउछि ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया। We'll be right back.